अचीजे हेकार मुँह सारी दे सुपरी, अचीजे हेकार मुँह सारी दे सुपरी, पेरे धरिया पिंगड़ियों थंद विछाया वार, साजन सब जमार गोली थी गुजारे। सिंधी अकादमी अच बाल उत्सव के टे ते तवा सभी हाजरीन जो दिली स्वागत थी कर असा अज टे में पैर पातो है बी डिफरेंट डिफरेंट पंचायतन जो प्रोग्राम दिठा एंड मार अज भी असा पंज प्रस्तुति खड़ी अहम सामू पेश आयो सभी का पैर जी तो मनी भगत दिठी अज भी अस बलोचिस्तानी हिंदू पंचायत के तरफा भगत जो बो ग्रुप प्रस्तुत कर रहा हूं उन असाक बुधायास कि 150 पुरानी यह असि परंपरा है जो शुरू थी इन में मुख्य भगत ए कहानी खड़नवारो थो है मुख्य भगत के मुहरेदार ए पीछड़ के बोलीड़ो या पीछड़ चवंदा तवे सामू पेश है बलोचिस्तानी हिंदू पंचायत जो भगत मारू मिलाई ना सुवेड़ा
Thank you.
भगत
छो तो ये भगत अड़ी फोक आर्ट है असि सिंधी की जी बिल्कुल डाइंग आर्ट है पूरे इंडिया में असें गोल्हे गोल्हे टे भगत मुश्किल से मिलिया के भी घनश्याम भगत के भी कई मुश्किल से अस दिल्ली में घुराए थे टिकाया 10-15 ये ट्रेनिंग दीनी है इन्हें पर मैं इन सभी का शुक्रगुजार शुक्रगुजारी जाहिर करण थी चाहें दादा मेघराज गुरनाणी के लिए इन्हें एतरी उम्र है तबियत भी ठीक न होंगी रही अन वेचारा गोरियो वी वी पटा वी जेल वगैरह में कि भी एडी 48 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में हो जाए मैक्सिमम एडी गर्मी हुई उनमें किथा पैं घर में अची रोज खानपुर में अची प्रैक्टिस कराएं स्क्रिप्ट राइटिंग उ न्यूएंसिस निटी ग्रिटीस बुधाएं सदी छो तो असके सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिले ही न पे ठीक है घनश्याम भगत है अस वो जबूल कई अस नींद आया इतने पर वरी भी जी ये फोक आर्ट की न्यूएंसिस दादा गुरनाणी के एक्सपीरियंस भी है तो इनके अस रिक्वेस्ट कई इन जहाँ घुराता हूँ एक वो दादा मेघराज सिंधी ज नाटक में इन वो नालो है जेका बार मदन गिर का खानपुर रोज इंदी हुई ऑटो में उनके गमलो मिले असांजे विच में हिंदी मंच फिल्म टेलीविज़न दूरदर्शन ए बीबीसी मां जो मीडिया कर्मी वही मशहूर नालो मिस रमा पांडे असांजे विच में आए अस उन्हें जो सिंधी अकादमी के पारा दिल्ली के सिंधी के पारा अस उनको स्वागत का कर रमा जी आप आइए पधारिए प्लीज सबको ये जान के बेहद खुशी होगी कि हिंदी से सिंधी का मेरा सफ़र आज का नहीं बचपन का है। मैं जोधपुर में पैदा हुई और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देश हुए तो कराची से बहुत से लोग हमारी ज़मीनों पर हमने मकान बनाए थे वहाँ आके रहे और उन दादी और उन चाचियों के बीच मैंने अपना बचपन गुजारा। जो चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी वो मैंने देखी। वो पजामे वो सफ़ेद जैसे वो नाक में लाल रंग का मोती लटकती बुलार दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। वहाँ सुबह सुबह मूंग के पापड़ बनते थे नील में बहुत सारे पजामे होते थे। धीरे धीरे और बहुत सारे शब्द मैंने सीखे तुम जो लालो चाह है ये मैंने वही सुना तो फिर मुझे ये आया और बहुत सारे हिड अच्छ ये भी मुझे अब याद आ रहा है कि यहाँ आइए बहुत ही खूबसूरत संस्कृति। अभी मैंने फिल्म बनाई सिंधु नदी पर लद्दाख से हम जाते गए एक सभ्यता जो खो रही थी जो सिंधी सभ्यता थी उसको वापस जो एकेडमी ने इन बच्चों के हाथ में मचाल थमाई है मैं उसको सल्यूट करना चाहता हूँ। साल की बात है जरूरी है हम रंगकर्मी फिल्म डायरेक्टर्स हमारा रोज का काम है आर्टिस्टों के साथ रहना और मैं हर बार प्रयोग करती हूँ थिएटर के साथ तो अशोक मलकानी जी आपके हैं वो मेरे बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं उन्होंने कहा आप हर बार कोरस में नया इस्तेमाल करती अब की बार भगत परंपरा इस्तेमाल कीजिए। आप मानेंगे नहीं हम थक गए पूरे हिंदुस्तान में भगत ढूंढते ढूंढते बड़े मुश्किलों से हमें अजमेर शरीफ में मिले और वो बहुत बिजी थी और उन्होंने कहा वो नहीं आ सकते तो फिर हमने फॉर्मेट चेंज कर दी। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा कि आपने इन बच्चों से भगत परंपरा की वो कराई है इसीलिए हमने फोटो की। अब मैं आपसे क्या कहूँ जय हिंद और जय सिंधी। अच्छा असि पग जेका है नई जनरेशन के मथा है सिंधी उ बधाई
एक स्पेशल प्राइज अस पायल कह था दूँ वन ऑफ द यंग एक्टर्स जेका एडो परियां खां रोज ईंदी या उन जी डेडिकेशन आहे ऐं उनखे स्पेशल सम्मान मिलंदो इन करे हिकु गमलो हुनखे ॾियो अच पायल सिंधी अकादमी जो इहो रिवोल्यूशनरी कदम आहे क्रांतिकारी कदम कि परंपरागत जेकी सिंधी भगत आहे हुन में भगत रुगा मर्द हूंदा आहिनि छोकिरियूं ज़ालूं न हूंदियूं आहिनि असांखे ॾिसो असां केॾा प्रोग्रेसिव आहियूं कि सिंधी भगत में छोकिरियुनि खे बि असां अॻियां कयो आहे ऐं मूंखे लॻे थो इहा वॾी ॻाल्हि